मैं रोहित चौधरी और आप देख रहे हैं रिसेंट इंडिया। आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में रोशन जी हैं, हालांकि अभी हम ऑनलाइन जुड़ रहे हैं उनसे। तो रोशन जी पहले भी हमारे साथ एक बार जुड़ चुके हैं, जब विशंभरपुर पंचायत के मुखिया जी जो हैं उनके द्वारा एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा था, तो उसी मामले को उजागर किया था रोशन जी ने। तो इनसे हम फिर से जुड़ रहे हैं। हम इनसे पता करते हैं कि और क्या क्या अपडेट और उस केस में हुआ है, और मुझे सुनने को मिला है कि इन पे और एक दो केस, शायद इनके द्वारा कथित फर्जी केस इन पे दायर किया गया है मुखिया जी के द्वारा। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। रोशन जी स्वागत है आपका सर। सबसे पहले नमस्कार दर्शकों को और रोहित जी आपको भी। जी धन्यवाद। मैं बताना ये चाहूंगा कि 5 तारीख को हम लोगों ने एक इंटरव्यू रिलीज किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि विशंभरपुर पंचायत के मुखिया के द्वारा और इनके पति के द्वारा और सेंट्रल बैंक के संचालक CSP जो कि संझा में चलाया जाता है, इन लोगों के मिलीभगत से लाखों रुपए का गबन का मामला उजागर हुआ था, जिसमें खुद मेरे पिता के खातों का दुरुपयोग करते हुए और मुखिया जी ने फर्जी जॉब कार्ड बनाकर 24,000 रुपए की फर्जी निकासी की थी, जिसकी जांच 5 तारीख को ही थी। ठीक है, तो 5 तारीख को हमें जांच के लिए दरियापुर ब्रांच में सेंट्रल बैंक के LDM जो कि रीजनल ऑफिस से इंक्वायरी के लिए आए थे, तो मुझे बुलाया गया था। 5 तारीख को 11 बजे का टाइम था, हमें बुलाया गया। 11:30 बजे के आसपास मैं पटना से, मैं और मेरा भाई दोनों पहुंचे। हमारे पहुंचने के पहले वहां पर विशंभरपुर पंचायत के मुखिया के पति श्री अनिल पांडे और CSP के संचालक रंजीत कुमार सिंह और जितेंद्र सिंह, ये तीनों लोग वहां पर हमारे पहुंचने से पहले मौजूद थे ब्रांच में। मैं भी वहां गया तो मैनेजर साहब ने हमें बुलाया और हमारी बात अलग बैठ के की, तो हमसे पूछा गया कि आपने जो शिकायत दिया है आपके पिता के खाते से जो फर्जी निकासी हुआ है, इस पर आपको क्या कहना है। तो मेरा जवाब यही था कि मैनेजर साहब, मेरे पिता ने पहला तो काम नहीं किया है, ये कहां की बात है, जब अधिकारी गांव में आए थे जांच के लिए तब? हाँ, उसके अगले दिन 4 तारीख को LDM साहब आए थे रीजनल ऑफिस से मेरे द्वारा किए गए शिकायत पे। ठीक है, अच्छा, जिसकी शिकायत मैंने ब्रांच और रीजनल ऑफिस दोनों को किया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए LDM पदाधिकारी महोदय आए थे, तो मुझसे मेरी बात हुई थी उनसे फोन के द्वारा। तो उन्होंने मुझे 5 तारीख को दरियापुर ब्रांच में बुलाया था, तो हम दरियापुर ब्रांच में वही जांच के लिए ही गए थे। तो वहां पर हमसे LDM साहब से भी बात हुई मेरी और मैनेजर साहब से भी बात हुई, तो मैनेजर साहब ने स्पष्ट कहा कि इनकी फर्जीवाड़े का तो पकड़ में आ गया है, क्योंकि आपके पिता ने पैसा उठाया होता तो आपके पिता पढ़े लिखे हैं तो हस्ताक्षर जरूर किए हैं, जिसमें मैंने एप्लीकेशन में लिखा था कि मेरे पिता के द्वारा निकाले गए सारे पैसे और हस्ताक्षर का मिलान किया जाए। तो सिर्फ मेरे पिता के द्वारा 2,000 रुपए जो कि PM किसान का आता है, मेरे पिता ने वही हस्ताक्षर करके पैसा निकाला है, बाकी 24,000 रुपया फर्जी निकाला गया जिसका कोई हस्ताक्षर नहीं मिला। बैंक ने उस पर संज्ञान लेते हुए इन लोगों से पैसा रिकवरी किया और हमें एक कहा, दो ऑप्शन हमें दिया। पहला कि एक तो रोशन जी, आप इन लोगों को अगर माफ नहीं करिएगा तो इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज होगा। तो मेरा कहीं ये इंटेंशन नहीं था कि मुझे किसी से दुश्मनी करना है, मेरा इंटेंशन ये था कि इन लोगों को मौका देना चाहिए सुधरने का, इसलिए मैंने FIR का कोई पक्ष नहीं लिया। मैंने मैनेजर साहब से बोला कि मेरा पैसा मिल गया, इसलिए इन लोगों को एक आवेदन आप लिखवाइए जिससे इन लोग माफीनामा लिखे या माफी की आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, और ग्रामीणों के जो खातों का दुरुपयोग इन लोगों ने किया है उस पर तो बाद में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे पिता के मामले में लोग जब पकड़ में आए तो 24,000 रुपए बैंक ने रिकवरी किया, बैंक उस दिन मुझे दे रहा था, मैंने कहा कि मैं बाद में ले लूंगा क्योंकि मुझे फिर पटना रिटर्न जाना है। तो उसके बाद वहां पर मुझसे आवेदन एक लिखवाया गया कि मामले को खत्म कर दिया जाए, मैनेजर साहब और LDM साहब दोनों ने मुझसे यही रिक्वेस्ट किया। तो मैंने बैंकर्स का मान रखते हुए, क्योंकि मैं भी किसी बैंक से जुड़ा हूं तो मुझे पता है कि नौकरी बचाना कितना मुश्किल होता है बैंकर्स के लिए, तो मैंने उन लोगों को देखते हुए इन लोगों को ये कहा कि अब एक बार भी मौका नहीं मिलेगा, आगे से अगर ऐसी गलती होगी तो आप पर मतलब पूर्ण रूप से कठोर कार्रवाई होगी।
तो उसके बाद मैंने वहां से बोल दिया, और उसके बाद मैंने एलडीएम साहब ने मैनेजर साहब को बोला कि आप एक बार संझा गांव का दौरा कीजिए। संझा गांव मुझे बुलाया गया, मैं मैनेजर साहब के साथ ही गया और वहां एक घंटे इंक्वायरी चली। इंक्वायरी के दौरान बहुत सारे लोगों ने आकर कहा कि मेरे खाते से चोरी किया गया, मेरे खाते से चोरी किया। मैनेजर साहब सारे लिख कर ले गए और फिर मैनेजर साहब के साथ मैं चला भी गया। और उसी दिन मैं पटना रिटर्न चला गया। मुझे 24,000 रुपया बाद में मुझे मैनेजर साहब के द्वारा मेरे भाई के हाथों में दे दिया गया। और 5 तारीख के बाद मैं चला आता हूँ, 6 तारीख के दिन गैप जाता है, और 7 तारीख के सुबह 8 बजे के आसपास मेरे घर से फोन आता है कि मुखिया के पति श्री अनिल कुमार पांडे और उनके बड़े पुत्र मुकेश कुमार पांडे, जो कि मेरे मित्र भी हैं, मेरे साथ पढ़ाई भी किए हैं, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जब देखा कि इस घेरा में मैं फंसता हुआ नजर आ रहा हूँ, मुखिया और मुखिया पति ये लोग फंसते हुए नजर आ रहे थे इस मामले में, फर्जीवाड़े में, क्योंकि कठोर कार्रवाई के दौरान ये लोगों ने 24,000 रुपया जो दिया, इसके गुस्से में आकर इन लोगों ने आकर मेरे दरवाजे पर मेरे पिता के साथ गाली गलौज किया और धमकी भरे लहजों का प्रयोग करते हुए इन लोगों ने ये कहा कि आप अपने बेटा को समझाइए, नहीं तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। उनके कहने का मतलब है कि ये भाई दबंग किस्म के लोग हैं, ये मरवा भी सकते हैं, मेरी हत्या की साजिश भी रचवा सकते हैं। और इनके जो CSP संचालक है, जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से संलिप्त है, गांव के सैकड़ों लोगों का खाता, सैकड़ों महिलाओं का खाता, सैकड़ों वृद्धा पेंशनधारियों का खाता, सैकड़ों बच्चों नाबालिगों का खाता का दुरुपयोग करते हुए 500 से ज्यादा फर्जी जॉब कार्ड बनाया गया और उस पर पैसा फर्जी तरीके से मंगाकर और बिना जानकारी के खाताधारक के उसे बुलाकर और निकाला जाता था, जिसका जानकारी बाद में पता चला है, जिसका भ्रष्टाचार का उजागर करने के बाद मुझे 7 तारीख के दिन, जिस दिन मेरे दरवाजे पर आकर गाली गलौज हल्ला गुला करते हैं, मैंने 7 तारीख को जब मुझे सूचना मिली तो मैंने सरपंच महोदय को फोन किया अपने पंचायत के, उनको ये जानकारी दी। और उसके बाद डेरनी थाना प्रभारी को मैं दोपहर में 12 और 1 के आसपास मैंने कॉल करके सूचना दिया। लेकिन इस भ्रष्टाचार की जानकारी और इस झगड़ा झंझट की जानकारी देने के बावजूद थाना प्रभारी ने संझा में ना ही तो कोई जानकारी जानने का कोशिश किया और ना ही इस मामले पर संज्ञान लेने का कोशिश किया। उसके बाद 7 तारीख को सुबह के दिन में इन्होंने FIR दर्ज कराया विद्या देवी के द्वारा, अपनी पत्नी का दुरुपयोग किया, पत्नी के पावर का दुरुपयोग किया, और एक महिला ने अपने इज्जत को सरेआम नीलाम करते हुए हमें अपमानित करने के लिए या हमें झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए इन्होंने FIR दर्ज कराया, जिसका कांड संख्या है 197/20, जिसमें इन लोगों ने मारपीट और ये सब चीज दोहराया है, चैन छीनने का भी आरोप लगाया है, जिसमें मेरे पिता और मेरे भाई और हमारा तीनों लोगों को फंसाया गया है। तो मैं कहना यह चाहता हूँ, DM साहब के पास भी मैंने इस चीज की जानकारी दी जिस दिन इन लोगों ने गाली गलौज किया, और SP साहब के पास भी मैंने मेल के माध्यम से सूचना दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये लोग इस स्तर तक चले आए हैं कि साजिश के तहत मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की हत्या की साजिश भी रच सकते हैं। मुझे मेरे जान का परवाह नहीं है, लेकिन मुझे यही कहना है कानून से कि वाकई में कानून अगर अपना सही काम करता और जिला पदाधिकारी ने अपना काम किया होता, तो मार्च महीने से मेरे द्वारा भ्रष्टाचार के मामले को जानकारी देने के बावजूद अभी अक्टूबर नवंबर तक भी DM साहब के मेरे द्वारा दिए गए 20 आवेदन पर एक भी आवेदन पर इन लोगों ने कार्रवाई नहीं किया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ DM साहब से कि क्या मेरी हत्या हो जाएगी तब जांच होगी, या मेरे परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना होगी तब जांच होगी? थाना प्रभारी सुनते नहीं है, उनको जो मुखिया कहेंगे वो सुनते हैं। मुखिया आपने कहा कि आप थाने में कॉल करके सूचना दिए थे, आपने लिखित आवेदन किया थाने में? जी, लिखित आवेदन देने के लिए जब मैंने सोचा तो मुझे पता चला कि मेरे ऊपर जब मुकदमा ही दर्ज है तो मैं जाऊंगा तो मुझे अरेस्ट किया जाएगा। इसके बाद मैंने SP साहब को भी मेल किया, फिर मैंने अपने जिला पदाधिकारी को भी मेल के माध्यम से सूचना किया। जब मुझे थाना प्रभारी पर से भरोसा उठ गया, कई लोगों के माध्यम से उनसे पूछताछ करवाया गया, तो उन लोगों ने सीधे यही कहा कि जो है रोशन कुमार जो है वो हमेशा मुखिया से उलझता रहता है। भाई हमेशा मुखिया मेरे दुश्मन तो है नहीं, मैं उनका दुश्मन तो हूं नहीं,
मेरा मानना यही है कि थाना प्रभारी ने अगर अपना सही तरीके से काम किया होता तो उनको गांव में जाकर जानकारी लेनी चाहिए कि रोशन कुमार ने जो आवेदन दिया या जो मौखिक इनको जानकारी दिया उस पर झूठ है या सच है, इनको जानना काम था, लेकिन जानने का इन्होंने प्रयास नहीं तो क्या किया। आप लोगों के नाम पे मतलब अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है क्या? अरेस्ट वारंट नहीं, थाना प्रभारी के द्वारा इस बातों का प्रयोग करना कि वो गुंडागर्दी करता है या दबंगई करता है, फलान चिला 917, इस बातों से मैं आहत हूँ, जबकि मेरे गांव में नहीं। मेरे पंचायत आप जैसे बोल रहे हैं कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप जाएंगे कंप्लेन देने के लिए, तो जब तक अरेस्ट वारंट नहीं हो आपको अरेस्ट कैसे किया जाएगा? श्रीमान, थाना को तो एक मौका चाहिए, थाना तो लोकल पॉलिटिशियन से चलता है ना, थाना तो लोकल लोगों से चलता है, उसे ये जानने के लिए समय कहाँ है कि कौन भ्रष्टाचारी है और किसके ऊपर क्या आरोप है, बस उसको एक मौका मिला अरेस्ट करना है। वारंट लेके गांव में कौन किसको अरेस्ट करता है, मतलब बिना अरेस्ट का वारंट करते हैं लोग यहाँ पे पुलिस? उसको अगर आप पकड़ में आ जाएंगे, अगर आप जाते हैं जानने की कोशिश करते हैं कि थाना पर मेरे नाम से केस है, तो पकड़ ही लेगा, उसके बाद उसको पैसा दीजिए, तो मतलब नहीं बनता है। हमारे पास तो दो नंबर का पैसा नहीं है, मुखिया महोदया ने बहुत पैसा कमाया है इसलिए फर्जी केस लिखवाया है। और मैं ये जानकारी देना चाहूंगा रोहित जी आपके माध्यम से कि दरियापुर ब्रांच में मैं जब 12 बजे पहुंचता हूं तो 12 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मैं सीसीटीवी फुटेज के दायरे में हूं, और जब मैं उसी दौरान दरियापुर ब्रांच के मैनेजर साहब के साथ मैं दोनों भाई जब साझा आता हूं तो संझा आने में जो समय लगा हो और संझा में 20 से 25 मिनट मैनेजर साहब रुके उतना देर समय लगा, और फिर मैनेजर साहब के साथ मैं चला भी गया। और इसकी जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कानून अगर अपना पूर्ण रूप से काम करे तो इन्वेस्टिगेशन में केस ए फॉल्स साबित करने के लिए मेरे पास सबसे तो बड़ा साक्ष्य है। ये जो केस हुआ है उसमें जो वारदात है जो को, ये कौन सा दिन जिस था? दिन ठीक 5 तारीख के दिन इन्वेस्टिगेशन जिस दिन था। नहीं, ये जो केस किए हैं मुखिया आप पे, तो ये उन्होंने मतलब कौन सा दिन बताया कि आपने कौन सा दिन जाकर उनके यहाँ मारपीट किया? हाँ रोहित जी, इन्होंने FIR दर्ज कराया 7 तारीख को, लेकिन उसमें वारदात का दिन और समय दिखाया गया है 5 तारीख को 3 बजे, जबकि मैं दरियापुर मैनेजर साहब के साथ ही हूँ। निश्चित तौर पर देखा जा सकता है इन्वेस्टिगेशन में साफ साफ देखा जा सकता है कि मैनेजर साहब के साथ मैं ब्रांच में इन हुआ हूँ और उनके साथ मैं गाँव में आया हूँ। और उसके बाद देखिए ताजुब की बात तब होती है इन लोगों ने जब गांव में पूरा हल्ला उड़ा दिया कि अब सबको जेल भेजवा कर छोड़ेंगे। अरे भाई, करप्शन आपने किया और जेल में जाऊंगा? कानून अभी भी जिंदा है, कानून को सबूत चाहिए, जो कि आपके खिलाफ सबूत के तौर पर मेरे पास 500 फर्जी जॉब कार्ड है जो मैं कानून को दूंगा। और समय का इंतजार मैं कर रहा हूँ कि कानून हमको भी खोजे, हमें भी हमसे भी पूछे कि आखिर में। अच्छा रोशन जी, एक सवाल और, वारदात का समय क्या था? 3 बज के आसपास, मतलब दोपहर का समय दिखाया गया है, जो मैं 12 बजे से 4:30 तक मैं मैनेजर साहब के साथ हूँ और ब्रांच से संझा आया हूँ दरियापुर से, और फिर संझा से तुरंत उनके साथ गया हूँ। तो केस तो ऐसे ही फर्जी हो जाएगा श्रीमान, फर्जी हो जाएगा, लेकिन मुझे बेल कराना पड़ा। थाना पे उन लोगों का शासन है, दबंगों का चलता है, थाना पर मुखिया और मुखिया पति की चलती है ना। मैं थाना पर आज तक नहीं गया हूँ। थाना प्रभारी विजय चौधरी है, विजय तो चौधरी उनसे उनका बात नाम किया है। कभी पर्सनली मिलके? नहीं, मैं मिलने गया ही नहीं, इसलिए नहीं गया कि मुझे मैं किसी को भेजा पता करने के लिए कि आखिर में मामला क्या है, सनहा है या FIR है। तो उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वो गुंडागर्दी करता है, फलान चिलान 917, मुखिया को परेशान करता है। अरे भाई, मुखिया को परेशान क्यों करता है, इसको जानने का कोशिश कीजिए ना। कभी कोशिश ही नहीं किया आपने, संध्या में आप मेरे द्वारा दिए गए जानकारी पर आपने संज्ञान लिया, चौकीदार से पूछा कि क्या रोशन कुमार ने जो फोन करके उनको जानकारी दी उस पर उनके दरवाजा पर गाड़ी गुलौज अनिल पांडे और उनके पुत्र द्वारा किया गया या नहीं किया गया, कोई जानकारी नहीं लिया गया। उसके बाद एक और देखिए, जब इस मामले में मैं बेल करा लिया, उसके बाद सेम उसी तारीख को मुखिया के पाले हुए दबंग लोग कुछ हैं, कुछ पाले हुए चमचे हैं, कुछ पाले हुए ऐसे लोग हैं जो उनके दलाल के तौर पे काम करते हैं, और वैसे ही लोगों में एक है